योगी सरकार भले ही भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पोर्टल पर शिकायत करने जैसी कई सुविधाएं प्रदान कर रही हो, लेकिन भू माफियाओं को हौसले किस कदर बुलंद है वह नजर आया कानपुर में। देखिए शिवान शुक्ला की खास रिपोर्ट। भू माफियाओं के हौसलों के आगे योगी का एंटी भू माफिया प्लान फ्लॉप होता दिख रहा है। मामला जनपद जालौन के कोतवाली कालपी क्षेत्र के अंतर्गत चोलुपुर मोड़ का है, जहां आरोप लगा है कि विधवा गीता देवी की लाखों की बेशकीमती भूमि पर मिर्जा मंडी कालपी निवासी जितेंद्र गंगाराम और राजा बाबू प्रणामी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके लिए पिछले 2 साल से लगातार गीता देवी शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाती हुई दर दर भटकती रही, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफियाओं ने इस दरमियान विवादित भूमि पर 30 दुकानों का पूरा आलीशान मार्केट तैयार कर लिया। बीते 18 जून को पीड़िता जिलाधिकारी मन्नान अख्तर के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंची और पूरा मामला सुनाते हुए हताश होकर बोली कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वह 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्य के आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। का विवाद है, हमने पक्का निर्माण करा दिया दुकानों का। ससुर जी नाम है। अच्छा, क्या नाम है आपके ससुर का? किस व्यक्ति ने कब्जा किया है इसमें जगह में? जीतेंद्र गंगाराम राजा। अच्छा, तो यहाँ दुकानें वगैरह निर्माण कब हुआ? 2.5 साल से चल रहा। आपने शिकायत नहीं की? हर जगह शिकायत की। तो क्या कार्रवाई की गई अभी तक? पहले तो कुछ नहीं की गई, अब आज से गई। इसके बाद जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई तथा तत्काल प्रभाव से मार्केट की वीडियोग्राफी करवा कर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद रविवार को कोतवाली इंचार्ज सुधाकर मिश्रा, नायब तहसीलदार, पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और विवादित जगह की वीडियोग्राफी करवा कर विवादित भूमि पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य न करवाए जाने की सख्त चेतावनी दी। उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये जो भवन बना है ये विवादित है, आपसी इनका विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसी की वीडियोग्राफी के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अब इसमें कोई निर्माण कार्य न हो और जैसा अदालत का फैसला आवे उसका अनुपालन किया। 2 साल बाद निर्माण कार्य भले ही रुक गया हो, लेकिन यदि निर्माण कार्य अवैध था तो 2 साल से पीड़िता के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई ना किया जाना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ बीके के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।